नमस्कार दोस्तों, दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसी के वर्सेस पीएसएम के बीच खेले जाने वाले ईसीएस टी10 लीग के 10वें मुकाबले की। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दोनों ही टीम्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 बताऊंगा। इसके अलावा आपको ग्रैंड लीग के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, स्मॉल लीग के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, सारे स्टैट्स, इनका बैटिंग ऑर्डर सब कुछ बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना भाई, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, क्योंकि मैं इतनी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए ही कर रहा हूं। तो अब पहले यहाँ से हम देखते हैं, ये दोस्तों 10वां मैच खेला जाएगा पीसी के वर्सेस पीएसएम के बीच में, और वेन्यू होगा दोस्तों विनोर क्रिकेट ग्राउंड। सारे मैचेस इस टी10 लीग के इसी ग्राउंड पर खेले जाएंगे। और अगर टाइमिंग की बात करें तो इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 2:30 पर दोपहर में स्टार्ट होगा। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों ज्वाइन कर लो हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे अपडेट, सारे स्टैट्स, सारे रिकॉर्ड्स और टॉस के बाद लाइनअप्स आने के बाद आपको बिल्कुल फाइनल ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम मिलती है। तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करना है, क्योंकि अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करोगे तो एक दो चेंजेस जो मैं अपनी टीम में करूँगा, जिस टीम के साथ मैं खुद जाऊँगा, वो आपको नहीं पता लगेंगे। तो इसीलिए आपके लिए टेलीग्राम चैनल इंपॉर्टेंट करना, ज्वाइन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा बात करें पिच रिपोर्ट की, तो ये एक गुड बैलेंस बिटवीन बैटिंग एंड बॉलिंग पिच है, मतलब बैटिंग के लिए भी अच्छी है और बॉलर्स के लिए भी अच्छी है। जिस टीम के बॉलर्स अच्छे होंगे वो विकेट निकालेंगे, और जिस टीम के बैट्समैन अच्छे होंगे वो बैटिंग भी अच्छी खासी कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार की ये पिच होने वाली है। एवरेज स्कोर की बात करें तो यहाँ पर पीकेसी, अगर फर्स्ट बैटिंग पीकेसी करती है तो 90 से 100 रन या फिर 100 से भी ऊपर रन बन सकते हैं एवरेज स्कोर, मतलब इस मैच का मैं बता रहा हूँ, बाकी एवरेज स्कोर 90 से 100 का है। और पीएसएम अगर पहले बैटिंग करती है तो 70 से 80 या फिर 70 से भी कम बनेंगे इस मैच में, क्योंकि पीएसएम की बैटिंग थोड़ी हल्की दिख रही है। और टीम्स की अगर रिसेंट फॉर्म की बात करें तो अभी दोनों टीम्स ने दो दो मैचेस खेले, तो पीकेसी ने जहाँ अपने दोनों मैचेस विन किए तो वही पीएसएम ने अपने दोनों मैचेस लूज़ किए हैं, तो ये आप देख सकते हो। तो इस हिसाब से पीकेसी के मतलब प्लेयर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बजाय कि पीएसएम के। हालांकि ग्रैंड लीग में दोनों टीम्स के प्लेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन मैं कर रहा हूँ हेड टू हेड और स्मॉल लीग की बात है। और अब बात करते हैं दोनों टीम्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 की। तो यहाँ से पीकेसी पॉसिबल प्लेइंग 11 आप देख सकते हो, शरण रामकृष्णा ओपनर आते हैं दोस्तों, और दोनों मैचेस में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिया, एक में 20 रन और दूसरे में 38 रन। उसके अलावा अरुण अशोका दोस्तों ये बैटिंग भी करेंगे और आपको बॉलिंग भी करके देंगे। पहले मैच में इन्होंने 19 रन बनाए, तो वही दूसरे मैच में 13 रन प्लस एक विकेट। तो आप देख रहे हो दोनों चीज़ों में आपको पॉइंट दे रहे हैं, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। तो और ओपनिंग में आते तो इनके पास ज़्यादा चांसेस है स्कोर करने के, इनको आप अपनी टीम में बिल्कुल 100% पिक करना। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं सुदेश विक्रमसेकारा की। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने पहले मैच में 33 रन बनाए, दूसरे मैच में दोस्तों मतलब ग्रैंड लीग विनर है ये दूसरे मैच में, तो जिन्होंने भी इसको कैप्टन बनाया ना वही जीतता है। एक मिनट दोस्तों, वीडियो कॉल आ गई थी। जिन्होंने इसे कैप्टन बनाया ना वही जीतता है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ पहले मैच में 33 रन, दूसरे मैच में 82 रन प्लस एक विकेट। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये, तो इनको आप अपनी टीम में जरूर रखना। इसके अलावा दोस्तों कुशन मेंडन, ये दोस्तों ठीक ठाक फॉर्म में नहीं चल रहे अभी, बाकी प्लेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों स्मिथ पटेल, ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं, क्योंकि 3 विकेट चटका चुके अभी तक 2 मैचेज में, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये इस विकेट इस मैच टीम के विकेट कीपर बैट्समैन की बात करें तो हिलाल अहमद दोस्तों, इन्होंने अभी तक बैटिंग ही नहीं की, क्योंकि ऊपर वाली बल्लेबाजी इतने रन बना देते हैं कि इनकी बैटिंग अभी आई नहीं है। इसके अलावा दोस्तों लक्ष्मी नारायण सेल्वन, इन्होंने दोस्तों पहले मैच में 1 विकेट निकाली, दूसरे मैच में हालांकि इनको विकेट नहीं मिली है। इसके अलावा दोस्तों अली सितार, और ये दोस्तों अभी तक विकेट लेस रहे हैं, इन्हें एक भी विकेट नहीं मिली है। तो आप अली सितार को, लक्ष्मी नारायण को और हिलाल अहमद को, इन तीनों को ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना। और कुशन मेंडन तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मैं उनकी फॉर्म खराब इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप उन्हें ड्रॉप कर दो स्मॉल लीग या हेड टू हेड में, वरना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है स्मॉल लीग हेड टू हेड के मैचेज के लिए भी। तो
आगे बात करते हैं दोस्तों, समीरा मधुरंगा दोस्तों एक मैच में एक विकेट, दूसरे मैच में जीरो विकेट, दूसरे मैच में विकेट नहीं मिल पाई। इसके अलावा कयूर मेहता दोस्तों पहले मैच में एक विकेट और दूसरे मैच में दो विकेट, तो मतलब फॉर्म पहले से बेहतर ही हुआ है। तो और इसके अलावा सुधीता उडुगाला को की बात करें तो इन्होंने ना तो बैटिंग किया ना बॉलिंग किया, तो अभी इनके स्टेट्स हमारे सामने नहीं है इस लीग के, पहले के जो है वो अभी काम नहीं आए क्योंकि वो काफ़ी पुराने हैं, तो उस बेसिस पे इनको अपनी टीम में नहीं ले सकते अभी, क्योंकि अब जो फॉर्म है वो पहले के फॉर्म से बिल्कुल अलग मिलेगी किसी भी बल्लेबाज या बॉलर की। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं PSM पॉसिबल प्लेइंग 11 की, तो यहाँ से आप देख सकते हो वैभव नोडुकर पहले मैच में 24 रन, दूसरे मैच में 36 रन, विकेट लेस रहे हैं, अभी विकेट इन्हें नहीं मिली है। इसके अलावा दूसरे ओपनर की बात करें तो सिद्धार्थ शर्मा दोस्तों ये भी बैटिंग करते हैं, तो पहले मैच में 14 रन ठीक ठाक परफॉर्म, दूसरे मैच में बिल्कुल फ्लोप रहे थे, हालांकि चल सकते हैं ओपनिंग में आते तो इनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते, और वैभव तो आपके लिए मस्ट पिक होने वाले हैं। इसके अलावा सागर MD सादत हुसैन दोस्तों पहले मैच में 7 रन, दूसरे मैच में 5 रन, मतलब कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, और इसीलिए ये टीम अपने दोनों मैच हार गई क्योंकि प्लेयर इसके फॉर्म में नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अरुण कोंडा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों, 2 डाउन बैटिंग करने आते हैं लेकिन फिर भी आपको 13 रन 22 रन दोनों मैचों में अच्छी खासी परफॉर्मेंस करके दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों नावेद पुराना दर ये इन्होंने एक मैच में 4 रन बनाए और मतलब एक मैच में रन बनाए और दूसरे मैच में अभी तक विकेट तो ले ही नहीं पाए हैं, और शायद एक ही मैच में इनकी बैटिंग आई थी। और ए नटराजन दोस्तों एक मैच में 4 रन, दूसरे मैच में 2 रन, और विनीत महाजन दोस्तों पहले मैच में 6 रन, दूसरे एक ही मैच शायद इन्होंने खेला है क्योंकि दूसरे मैच के रिकॉर्ड हमारे पास अभी नहीं है। प्रसाद रामचंद्रन दोस्तों 2 विकेट। दोस्तों इस टीम की बात करें तो यहाँ से वैभव और अरुण कोंडा और यहाँ से प्रसाद रामचंद्रन ये दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर। इसके अलावा दोस्तों एक प्लेयर और थे कहाँ पे, हाँ ये रहे एल महमूद दोस्तों 2 विकेट, तो ये आपके लिए मेन प्लेयर है स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए, बाकी जो बचे हुए प्लेयर उनको आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। तो अब बात करते हैं ड्रीम इलेवन की टीम की, लेकिन दोस्तों मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहीं पर आपको मिलेगी हमारी ड्रीम इलेवन, मतलब स्मॉल लीग की और हेड टू हेड की और ग्रैंड लीग की सारी टीम आपको वहीं पर मिलेगी, तो उनको आप मतलब वो चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में ज़रूर रखना। तो यहाँ से दोस्तों हिलाल अहमद दोस्तों इनकी बैटिंग थोड़ी ऊपर आती है, अभी तक खैर इनकी बैटिंग नहीं आई है, तो लेकिन फिर भी हम इनको अपनी टीम में पिक करके चलेंगे और आखिर में अगर कुछ चेंजेस करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना। दोस्तों ये सिद्धार्थ शर्मा इनको अपनी टीम में ज़रूर रखेंगे, ये दोस्तों वैभव इनको भी अपनी टीम में रखेंगे। दोस्तों यहाँ से आप चाहो तो सिद्धार्थ शर्मा को ड्रॉप करके भी चल सकते हो, और यहाँ से दोस्तों अरे इनके नाम सुदेश दोस्तों ऐसे सुदेश इनको भी अपनी टीम में आप ज़रूर रखेंगे, तो इनको आप अपनी टीम में रख लें। इसके अलावा दोस्तों ए अशोका और एस रामकृष्णा दोनों काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं, आप चाहो तो दोनों को रख सकते हो या फिर किसी एक को ड्रॉप कर सकते हो। और ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो दोस्तों यहाँ से केयूर मेहता काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं आपके लिए। इसके अलावा दोस्तों एम सादत हुसैन दोस्तों बैटिंग बॉलिंग दोनों इंपॉइंट देंगे, अरुण कोंडा दोस्तों वैसे विकेट कीपिंग भी करते लेकिन बैटिंग बॉलिंग दोनों करते, तो ऑलराउंडर सेक्शन में आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ से आप एम सादत हुसैन को ड्रॉप करके अगर एस पटेल के साथ जाना चाहो तो इनके साथ भी जा सकते हो, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑप्शन। और दोस्तों के मैंडन एम सादत हुसैन दोस्तों इनको आप ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करना। और अब बात करते हैं बॉलिंग की, तो दोस्तों यहाँ से एस मधुरंगा काफ़ी अच्छे ऑप्शन आपके लिए, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ से पी रामचंद्रन ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छे ऑप्शन है क्योंकि ये देखो आपको दिखाता हूँ इनकी परफॉर्मेंस दोस्तों। प्रसाद इन्होंने 2 विकेट चटकाए थे पिछले मैच में, पहले मैच में ये खेले नहीं थे, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों ऐसे ए रेड्डी दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, इनको भी आप अपनी टीम में रख सकते हो। तो कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें दोस्तों एस सिद्धार्थ नहीं सॉरी सुदेश को आप कैप्टन बना सकते हो क्योंकि देखो इन्होंने लास्ट मैच में 129 पॉइंट अकेले लेके दिए थे, 82 रन प्लस 1 विकेट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए होने वाले हैं, तो इनको आप अपनी टीम में ज़रूर रखना। और इसके अलावा वाइस कैप्टन की बात करें तो आप
विनय के साथ जा सकते हो और कैप्टन आप इनको बना सकते हो, लेकिन फिर भी अगर कोई चेंजेस हो गए फाइनल टीम जो भी होगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाओ टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और मैच की अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।